नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर जिले के कांग्रेसी महाराजगंज मुख्यालय पर खूब गरजे। महाराजगंज में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने जल्दबाजी में नोटबंदी कर देश के साथ क्रूर मजाक किया है और इतना ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर बड़े उद्योगपतियों को मजबूती दिया, जिसका परिणाम है कि छोटे व्यापारी भूखो तड़प रहे हैं। आइए जानते हैं महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक प्रसाद ने क्या कहा। शिवरतन कुमार गुप्ता, ब्यूरो चीफ, न्यूज फर्स्ट, महाराजगंज। ये शब्द एक भारत का प्रधानमंत्री बोलता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। रद्दी का कागज आप कैसे घोषित कर सकते हैं जब तक आपने उसका विकल्प ना तैयार किया हो, जब तक आपने जो गरीब किसानों की कमाई है, गाड़ी मेहनत की कमाई है, उसका आपने विकल्प ना तैयार किया हो, तब तक उसको रद्दी का कागज कैसे घोषित कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े वादे दिखाए, बहुत ही बड़े सपने दिखाए। आपने यहां तक कहा कि इससे आने वाले काले धन से हम हर गरीबों के खाते में पैसा भेजेंगे। उसका नतीजा हुआ जब विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसी का नतीजा है कि जनता आपके झांसे में आ गई और ये सोचा कि आपने नोटबंदी करके जितने पैसा जमा कराया है उससे आने वाला काला धन उनके खातों में जाने वाला है। लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं माई लोग। ये तो झूठ की सरकार है, एक धोखा है, एक पर्दा है जो सबकी आंख पे इन्होंने डाल रखा था। चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन आज भी कोई गरीब माता बहने बता दें कि उनके खाते में पैसा आया। सबसे बड़ी बात कि जब बैंक में आपने जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया तो बैंक का मैनेजर फोन करने लगा कि आप पैसा जमा करिए नहीं तो आपका खाता बंद कर दिया जाए। पैसा जो हमारे भाई और बहनों ने जमा किया था, जो हमारे माताओं ने जमा किया था, उसमें खाते का मैनेजर ने फोन किया कि मिनिमम बैलेंस डालिए नहीं तो आपका पैसा बंद कर दिया जाएगा, कम से कम 500 रुपए डालिए। और हुआ क्या, जब 500 रुपए बैंक में डाल दिया गया, क्या हुआ उस समय? धीरे धीरे मिनिमम बैलेंस के नाम पे कहीं 18 रुपए प्रति महीना, कहीं 24 रुपए प्रति महीना करके इन बैंकों ने बैलेंस को जीरो कर दिया। कटा गया है, इसको बताइए आगे मंच से कि कितना पैसा काटा गया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो इस जिले का जो बजट होगा उतना ही पैसा इन लोगों ने जीरो बैलेंस के नाम पे जिले से काट लिया। शर्म करनी चाहिए सरकार। महंगाई की बात करते थे कि नोटबंदी के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी, 400 रुपए मिलने वाला सिलेंडर आज 1018 हो गया, क्या यही कम है महंगाई? क्या यही है आपके अच्छे दिन? इस बात को भी आपको, आपकी जनता को यहाँ फैसला करना पड़ेगा। सुधार देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, लोग पैसा लेकर बाहर भाग जा रहे हैं और आप कहते हैं आप चौकीदार हैं। अगर गांव का एक चौकीदार जो गांव की चौकीदारी करता है, उसके चौकीदारी में किसी के घर पर डकैती बढ़ जाती है, चोरी बढ़ जाती है, तो सबसे पहले उसी को पकड़ा जाता है, उसी को थाने बैठाया जाता है, उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से मांग करता हूँ कि क्यों ना मोदी जी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस चौकीदार ने ही, इस चौकीदारी के राज में ही इस हिंदुस्तान के पैसे पे डकैती पड़ी है, लूट हुई है, खसोट हुई है। और ये चौकीदार आज शांत, आज शांत है, आज ये कुछ नहीं बोलेंगे, आज इनके बड़े बड़े वादे हवा हवाई हो गए। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर रखा था, अगर आज किसी एक कांग्रेस के पास से काला धन निकला होता तो घसीट के लोग जाके जेल में डाल देते, लेकिन किसी को कर पाइए नहीं कर पाए। उल्टा भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थन वाले व्यापारी इस काले धन के रूप में पकड़े गए। आपको शर्म करना चाहिए मोदी। आज हम आपसे बहुत ज्यादा नाम कहते रहे क्योंकि बहुत देर से धरना चल रहा है, केवल 7 और 8 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इस नोटबंदी के बाद लाभ किसको हुआ मोदी जी? आप तो सबको कहते हैं किसानों को लाभ होगा, मजदूरों को लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा, तो आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस नोटबंदी के बाद लाभ किसको हुआ? दूसरा प्रश्न कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा आपके पास काला धन आया, क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप मोदी जी? और क्या आप उन महिलाओं को, तीसरा प्रश्न हमारा, उन महिलाओं को
जो रात के दो दो बजे अपने छोटे हुए बिलखते हुए बच्चों को लेके लाइन में लगी थी, उनके प्रति क्या जवाब है आपका? आज इसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, लोगों का पलायन शुरू हो गया बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, गुजरात हुआ, सूरत हुआ, जहां जहां लोग नौकरी कर रहे थे। इस नोटबंदी के बाद आप आंकड़े उठा के देखिए तो रोजगार में 25-30% की कमी आई है। क्या नोटबंदी से यही रोजगार बढ़ा आपका जो आप वादा करते थे? छोटे उद्योग, लघु उद्योग, छोटे किसान, छोटे व्यापारी आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच गया आपके नोटबंदी की वजह से। किसको लाभ हुआ? रिलायंस को हुआ, अडानी को हुआ, अंबानी को हुआ, जो छोटे व्यापारियों को कुचलना चाहते थे। लेकिन सरकार के श्रेय से मैं आरोप लगाता हूं उस मंच से कि मोदी जी कर भाजपा के श्रेय से इन्होंने छोटे व्यापारियों की हत्या कर दी और अपने व्यापारी को और चमकाया। आज बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम 70 रुपए प्रति डॉलर है मोदी जी, तो हिंदुस्तान में आज भी रेट इतना ऊंचा क्यों है? इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा।